diggy 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 boom diggy bam. Skateboard flip photos like this. Hello guys, it's Sayer. Welcome back to my YouTube channel. So guys, जो अभी मैंने फोटो बताया वो निकालने के लिए कोई स्केटबोर्ड नहीं है, ये ऐसा जंप मार के फेक फोटो निकाल लेने का। फेक फोटो निकाल लेने के बाद कुछ फोटो ऐसा आएगा, इसमें स्केटबोर्ड ऐड करने का। इसके लिए दो जन को स्केटबोर्ड पकड़ने का दो कॉर्नर पे, उसके बाद दो कॉर्नर पकड़ने के बाद अपने को जो भी क्लियर फोटो आता है वो पिक्सआर्ट पे खोलने का है। और ये मैंने फेवरेट्स में ऐड करके रखा है वो फ़ोटो। फ़ोटो खोलने के बाद फ़ोटो कुछ ऐसा है प्लेन, इसमें अपने को अभी स्केटबोर्ड ऐड करने का है, तो वो स्केटबोर्ड वाला फ़ोटो भी मैंने ऐड करके रखा है। तो वो कुछ खोलने के बाद ऐसा आएगा, तो उसको अच्छे से एडजस्ट करने का है वो पहले वाले फ़ोटो के हिसाब से। पीछे जो अभी मैं जो ब्लैक टायर दिख रहे वो टायर में मैच करने जाऊँगा। वो अभी आप देख रहे हो कि टायर ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ी ओपेसिटी कम करके ज़्यादा करके चेक करने का वो। और फ़ोटो की साइज़ ज़रूरी नहीं हर बार सेम आएगी, इसके लिए वो पीछे के बैकग्राउंड मैच करने का कभी। तो मैं जो पीछे अभी कर रहा हूँ वो पीछे टायर मैच कर रहा हूँ। पीछे के टायर एक फ्रेम पे आ जाएंगे तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं लगेगा। ये अभी आ गए तो कुछ इफ़ेक्ट लग रहा नहीं, फ़ोटो में डिफरेंस नहीं लग रहा है। ये ऐसा करके फिर ओपेसिटी से एक बार चेक कर लेने का अच्छे से। ये अभी ऐसा प्रॉपर हो गया, तो उसके बाद मैं अभी स्केटबोर्ड को ये कुछ ऐसा एडिट कर दूँगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़्यादा एडिट करूँगा क्योंकि जो फिंगर के टिप्स हैं मेरे वो भी आ गए, तो फिंगर के टिप्स दिखने नहीं चाहिए। इसके लिए ये स्केटबोर्ड को ऐसा रब करके, ये थोड़ा मैंने वीडियो फास्ट कर दिया, ये मेरा फिंगर आ रहा है वो मैंने हटा दिया, थोड़ा सा एडजस्ट करने का। इसमें टायर अभी अच्छे से करके, टायर भी आएंगे फिर ऐसा एडजस्ट करके डन। ये फ़ोटो हो गया सेव, फ़ोटो कुछ ऐसा आ गया है, एकदम ईजी मेथड है एकदम। ये लाइट रूम में मैं थोड़ा उसको टचअप दूंगा, थोड़े इफेक्ट करके। लाइट रूम का वीडियो मैंने पूरा ऐसा नहीं डाला है। लाइट रूम के एडिटिंग का कोई वीडियो अच्छी रहेगा तो कमेंट्स में बताओ मेरे को। ये लाइट रूम का भी हो गया है, और फोटो पहले कुछ ऐसा था और लाइट रूम के टचअप के बाद ऐसा हो गया, डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। Till then, see you in the next video. Bye.